सो गाइस, अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पर अपना खुद का मोटिवेशनल पेज कैसे बना सकते हैं एंड आपको पोस्ट किस तरीके से बनानी है, जैसे कि ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं, एंड किस तरीके से इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी है, प्लस आप लोगों को यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने हैं एंड इससे अर्निंग कैसे करनी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। तो यार प्लीज़ आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इंस्टाग्राम से काफ़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सो हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाई टेकिंग पंकज में। सो गाइस वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है यार कि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर 20 सब्सक्राइबर्स के कुछ ही करीब हैं, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो कैसे तो यहाँ पर जो मोटिवेशनल पेज हैं उन पर अभी बहुत भर भर के ट्रैफिक आ रहा है, एंड जो भी लोग अभी इस समय पर मोटिवेशनल पेज बना रहे हैं तो उनके जो पेजेस हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें जो है वो ग्रो कर सकते हैं एंड आप लोग खुद का एक मोटिवेशनल पेज बना सकते हैं। एंड आपको पोस्ट वगैरह कैसे करनी है सब कुछ आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग सीख सब कुछ जाओगे एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने पेज ओपन करके रखा हुआ है जिसका नाम मोटिवेशन लाइन, इसके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड पोस्ट देख सकते हैं कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। एंड हर एक पोस्ट पर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, एंड ये जो है ये यहाँ पर स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्निंग करते हैं, मतलब कि इनके पास काफ़ी सारे मेल्स वगैरह आते होंगे, ठीक है, हर घंटे का, वीकली का, 24 घंटे का, इस हिसाब से ये यहाँ पर पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं। सेकेंड यहाँ पर पेज देख सकते हैं मोटिवेशनल कोट्स फॉर यू करके, इनके 170 के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इनके भी कुछ यहाँ पर पोस्ट ठीक ठाक पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये पोस्ट बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर ये मोटिवेशन हिंदी, जिनके 246K फॉलोअर्स हैं एंड ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे करके और भी काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिन पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ये लोग किस तरीके से पोस्ट बना रहे हैं, कैसे अर्निंग कर रहे हैं, चलिए आप जान लेते हैं। तो अभी पहले आप लोग यहाँ पर देख लो कि मैंने कल यहाँ पर एक खुद का मोटिवेशनल पेज बनाया था जिसका नाम मोटिवेशन मुद्रा, ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे 29 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर 5 पोस्ट यहाँ पर डाली हैं। अब ये जो आप लोग पोस्ट देख रहे हैं ये मेरी खुद की पोस्ट है जो मैंने खुद ही बनाई है, एंड प्लस मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक क्रिएट किया हुआ ये, ठीक है, और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल करके रखे हुए हैं और इन पर भी ठीक ठाक मुझे जो है वो लाइक्स वगैरह मिल चुके हैं। तो कल ही मैंने स्टार्ट किया एंड कल ही मुझे यहाँ पर 29 फॉलोअर्स मिल चुके हैं, एंड कैसे मिले सब कुछ आप सभी को बताऊंगा, एंड आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं खुद का मोटिवेशनल पेज वो भी आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए आप चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोग अपने पेज का नाम किस तरीके से रखोगे। तो पेज का नाम कैसे रखना है वो आप लोग यहाँ पर देख लो। सिंपली आप लोगों को जाना है गूगल पर और आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे YouTube नेम जनरेटर, ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है, ये वाली साइट आ जाएगी businessnamegenerator.com। सिंपली इस वाली साइट को ओपन कर लेना। अब आप लोगों को नाम किस तरीके से चूज करना है वो आप लोग यहाँ पर देख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया मोटिवेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्री पर क्लिक करना है और इंडस्ट्री आप सभी को यहाँ पर चूज़ करनी है। मैं हेल्थ पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मोटिवेशन का कुछ है या नहीं, मीडिया न्यूज़, तो यहाँ पर मोटिवेशन कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर एजुकेशन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, एंड अप्लाई पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे आप सभी के सामने जो है वो नेम आ जाएंगे, जैसे मोटिवेशन डिस्कवर, मोटिवेशन फास्ट, मोटिवेशन इनोवेट, ठीक है, मोटिवेशन फोकस, मोटिवेशन यूनाइट, मोटिवेशन कीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो नाम देख लेंगे कि पहले इस नाम से कुछ है तो नहीं, जैसे कि मोटिवेशन कीज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पहले मोटिवेशन कीज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर इस नाम से पेज होगा तो आई थिंक ये देखो इस नाम से पेज ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम यहाँ दूसरे पेज को ले लेते हैं, ठीक है, दूसरे नेम को ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मोटिवेशन
मोटिवेशन केविन ले लेते हैं, ठीक है। मोटिवेशन केविन, आई थिंक इस नाम से नहीं होगा, CABIN, मोटिवेशन केविन मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इस नाम से देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर पेज नहीं है, यहाँ पर मोटिवेशनल केविन नाम से, लेकिन मोटिवेशन केविन नाम से नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे क्या, आप लोग यहाँ पर मोटिवेशन आगे अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इस वाले नाम को यहाँ पर चूज कर लिया। अभी हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर हम डालते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, SIGN साइन अप, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। एंड डाल लेने के बाद हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझते रहना। आई थिंक यहाँ पर भी मेरा अकाउंट जो है पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको लॉगआउट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर साइन अप पर हम क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें अपना फुल नेम डालना है, यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम हमें अपने वही डालना है जो हमने यहाँ पर अभी लिया था। तो मैं यहाँ पर मोटिवेशन अंडरस्कोर केविन लगा दूंगा। एंड यहाँ पर भी मैं ये डाल देता हूँ मोटिवेशन केविन, और यहाँ पर मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कहीं से कोई पार्ट स्किप नहीं करूँगा, सब कुछ आपके सामने ही आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल हम लोग डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर पासवर्ड डाल लेने के बाद यहाँ पर साइनअप पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इतना जो काम है वो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, देन आप सभी को बताता हूँ कि आगे करना क्या है, ठीक है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर साइनअप पर क्लिक कर दिया है। एंड यहाँ पर हमें अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर चूज़ कर लिया। देन नेक्स्ट पर हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, तो मैं अब जो OTP है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। OTP आ चुका है 12496, ठीक है, ये हमने डाल दिया। एंड कन्फर्म पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, अभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे आप लोग पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो यहाँ पर प्रॉपर बन चुका है, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर किसी को फॉलो नहीं करना है, सिंपली आओ अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पेज बन चुका है, मोटिवेशन पंकज मैंने इसलिए रखा बिकॉज जो हमने दूसरा नाम रखा था केविन, वो यूज़र नेम पहले से किसी ने ले रखा था, ठीक है। तो हमने ये नेम चेंज कर दिया एंड मैंने अपना नाम लिख दिया मोटिवेशन पंकज। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक लोगो क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से कोई लोगो बना करके रखा हुआ है तो सिंपली आप लोग उसको करेंगे का इस तरीके से चूज़ करेंगे, यहाँ पर ओपन करके इस तरीके से उसको लगा देंगे, ठीक है। एंड लोगो बढ़िया से लगाइएगा ताकि थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़े सामने वाले पर। देन आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो डाल देनी होगी, जैसे कि आपकी जो वेबसाइट वगैरह हो गई, ठीक है, अगर उसको कोई लिंक है। एंड बायो में आप सभी को कोई बढ़िया सी शायरी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है, ठीक है। तो मैं ये सारा का सारा यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर जाकर के मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। और जो मोटिवेशन मुद्रा लिखा हुआ है इसको जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना जो पेज का नेम है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पर लिख देना है। देन हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो अपनी ईमेल भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देता हूँ एंड सबमिट पर इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रोफाइल पर अपनी। एंड प्रोफाइल पर आ जाने का आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पेज है वो आ चुका है, और यहाँ पर ये हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सारा का काम हो चुका है, इंस्टाग्राम का पेज बन चुका है। अभी हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर पोस्ट बनानी है। एंड पोस्ट किस तरीके से बनाएंगे वो आप लोग यहाँ पर देख लो, एंड किस तरीके से डालनी है वो भी आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो ऐसी पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट बना करके रखी हुई हैं। पहली ये पोस्ट है, दूसरी ये मैंने बनाई थी, तीसरी ये मैंने, और यहाँ पर कम से कम मैंने 4 से 5 पोस्ट यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। तो किस तरीके से हमें पोस्ट बनानी है वो आप लोग यहाँ पर देख लो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर ओपन करना है, और आप लोग यहाँ पर लिखेंगे पिंटरेस्ट, ठीक है। पिंटरेस्ट आप सभी लोगों को यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है, और इसको इंस्टॉल वगैरह कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लेने का आप लोग अपनी ईमेल आईडी के थ्रू या किसी के थ्रू यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं। एंड साइनअप कर लेने का ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको यहाँ पर इमेजेस को सर्च करना है। जैसे कि मान लो कि आप लोग पर्टिकुलर किसी हीरो की इमेज पर कोई मोटिवेशन शायरी लिखना चाहते हो, किसी क्रिकेटर की हो गया, तो यहाँ पर सारे के सारे आपको जो है इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हार्दिक पंड्या, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। सर्च कर लेने का आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्दिक पंड्या की काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। जैसे कि ये वाली एक इमेज है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक किया एंड इन 3 लाइन्स पर क्लिक करके यहाँ पर हम डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी इमेज है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। ऐसे ही करके आप लोग यहाँ पर और भी किसी भी क्रिकेटर की, हीरो की, या किसी भी बंदे की यहाँ पर जो है वो
इमेज ले सकते हैं, ऋतिक रोशन की ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो अभी मैंने डेमो के लिए सिंपली जो है वो हार्दिक पांड्या की इमेज ले ली है। देन आपको आगे क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर देख लो। अब आपको सिंपली ओपन करना है अपना पिक्सल लैब। सिंपली आप लोग करेंगे क्या, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पिक्सल लैब, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, इसको आप लोग क्या करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने का तो इसको सिंपली ओपन वगैरह कर लेना और इस तरीके से आप लोग उसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको करने का इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ऊपर देखो थ्री लाइन्स दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करना, इमेज साइज पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको कितना साइज चूज़ करना है वो आप लोग यहाँ पर देख लो। इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट का साइज रहता है वो 1000x1080 रहता है, ओके पर क्लिक करो, ये आपका साइज सेलेक्ट हो गया। अभी आपको करना क्या है, आपको उस इमेज को चूज़ करना है जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी भी डाउनलोड करी थी। ये मैं डाउनलोड कर ली, इसको इस तरीके से आप लोग जो है वो क्रॉप क्रॉप करके फिट कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो पूरी हमारी आ चुकी है, थोड़ा छोटा करना चाहें तो आप लोग छोटा भी इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से सेट कर ली है पूरी। देन आपको करने का है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस पर लॉक पर कर देना है ताकि ये कहीं पर ऐसे करके हेलेड हो लेना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। सेकेंड काम आपको क्या करना है, आपको सिंपली चले जाना होगा गूगल पर एंड यहाँ पर आप लोग सर्च कर लेंगे मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल शायरी, इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी आप सभी लिखना चाहते हैं। बहुत सारी साइट्स ओपन हो जाएंगी, किसी पर भी क्लिक करो एंड किसी भी कहीं पर भी जाओ और जो इमेज है उससे मिलती जुलती कोई भी यहाँ पर आप लोग जो है वो शायरी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, जैसे यहाँ पर मैं कोई कपड़ों की मैचिंग, हाँ ये जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ शायरी देख लेता हूँ, देख लेते हैं मिल जाए कोई, यार हाँ ये रहा, ठीक है। हमने मान लो इसको इसको यहाँ से पूरा चूज़ करा इस तरीके से और इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने हम यहाँ पर आए, हमने इस प्लस पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है एंड इस पर हम क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे और जो हमने शायरी अभी कॉपी करी है वो इस तरीके से यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर लेने का ये देख सकते हैं हमारी जो शायरी है वो आ चुकी है। अभी हमें करना कुछ नहीं है, इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह है वो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे इसी के अंदर। देन आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इधर को आइए, इस पर क्लिक करना है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इधर आइए और यहाँ पर देखो एलएन का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करके इसको मिडिल वाले पर क्लिक कर देना। देन इस तरीके से आपको क्लिक कर देना और आपको जितना इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और करनी है कि आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करें, ठीक है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर मतलब एक ब्लैक शेडो की आवश्यकता पड़ेगी एंड जो ब्लैक शेडो है इसका जो लिंक है डाउनलोड करने का वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ये रहा ब्लैक शैडो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको मैंने रोटेट कर लिया, देखो इस तरीके से आप लोग रोटेट कर सकते हो एंड इस राइट पर क्लिक कर लेना, राइट पर क्लिक कर लेना, ये देखो इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको जितना करना है एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने इतना इसको कर लिया, देन अभी हमें करने का है हम इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको बैक पर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमें पहले क्या करना है इसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे। अब हमें दोबारा से ब्लैक शैडो लेना है, ठीक है, हमने ब्लैक शैडो ले लिया, इसको इस तरीके से कर दिया एंड इसको अब हम इस तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर हमें शायरी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब प्लस पर हमने क्लिक कर दिया एंड अब यहाँ पर हम शायरी लिखेंगे, ठीक है, शायरी नहीं जो भी मोटिवेशनल हमारा कोट्स है वो यहाँ पर हम डाल के ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक, ताकि ये इसको ऊपर आए, ठीक है। बाकी इसको आप लोग इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम जाएंगे फॉन्ट पे, इसके ये लिखा देखो फॉन्ट पर क्लिक करा एंड यहाँ पर हम कोई भी एक बढ़िया सा फॉन्ट ले लेंगे, ये हमने फॉन्ट चूज़ कर लिया। फिर से हम थोड़ा जाएंगे एलाइन पर क्लिक करेंगे, मिडिल वाले पर क्लिक करेंगे और ये देखो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा बड़ा या छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ इसके जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, कलर का ऑप्शन देखिए इस पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पर नीचे देखो ये कुछ एरिया आपको सेलेक्ट किया हुआ दिखेगा, इसको आप लोग क्या करेंगे पर्टिकुलर जो एरिया पर मतलब आपको जिसका भी कलर चेंज करना है आप लोग करेंगे क्या, उस उतने वर्ड को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कमज़ोर को सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर हम करेंगे इसका जो कलर है वो हम पीला कर देंगे इस तरीके, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर हम खतरनाक वाले जो एरिया है इसको यहाँ पर हम करेंगे क्या इस तरीके से ये कर लेंगे, ठीक है। देन थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम इस कल्पना वाले वर्ड को भी यहाँ पर हम कर लेते हैं ठीक से, ठीक है। ये कल्पना वाला हम जो है इसको ठीक से इसको मैंने चूज़ किया एंड इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा इस तरीके से बन चुका है एंड देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एंड अभी आप लोगों को आगे क्या करना है, जैसे कि मान लो कि आपका कोई इंस्टाग्राम का
जैसे कि यहाँ पर मैंने जो बना करके रखा हुआ है आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बनाया है तो मैं करूँगा क्या, इसको इस तरीके से कर दूँगा क्रॉप। अगर आपको सीखना है कि ये किस तरीके से बनाते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना करके बता दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से बना करके रखा हुआ है, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पर ये इस नाम से पेज बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना होगा, उसको लगा देना होगा, बस आपका जो काम है यहाँ पर हो चुका है। एंड अगर आपको अपना लोगो वगैरह लगाना है तो आप लोग यहाँ पर साइड में जो है अपना लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, वेरी हाई पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर लेना है। तो ये जो है ये से तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो है बस सेव हो चुकी है, ये देख सकते हैं पोस्ट आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पर बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आप लोग अपने इंस्टाग्राम का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है यार, ताकि आप लोग सब कुछ ठीक समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपका मतलब ये जो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं ना टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का पूरा जो चीज़ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप लोग करना क्या, इस फाइल को सिलेक्ट करना और इस तरीके से पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेना। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या वो आप लोग यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा हुआ है मोटिवेशन मुद्रा, आपको यहाँ पर चेंज करके अपने पेज का नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोटिवेशन मुद्रा, तो आप लोग का जो भी पेज का नाम है वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे को जो हैशटैग है उनको चेंज मत करना। यहाँ पर सपोर्ट के नीचे ये जो लिखा हुआ है मोटिवेशन मुद्रा, यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, अपना जो पेज है उसका यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, जहाँ पर यूजर नेम आपको डालना है वहीं डालना है, बाकी नीचे हैशटैग वगैरह चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। देन अब हमें चलना है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में। हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर लिया एंड मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने जो मेन इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरा वो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मोटिवेशनल मुद्रा नाम से जो हमारा पेज था इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 29 हमारे फॉलोअर्स हैं। अब हमें करने का है सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फीड पोस्ट पर क्लिक करना है, जो पोस्ट हमने बनाई थी उसको चूज़ करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे एंड ये वाला जो फर्स्ट वाला कलर नहीं लेना, सेकंड वाला कलर लेना, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगता है, थर्ड वाला भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं सेकंड वाला ही चूज़ करता हूँ, ठीक है। और आप लोग पर्टिकुलर यार एक पहचान बना लो कि आप सिंपली मतलब कि हर एक पोस्ट आप लोग को सेम टू सेम डालनी है। अब देखो ये मैंने जो कॉपी किया था टेक्स्ट वो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारा का सारा पेस्ट कर दूंगा। अगर आपका फेसबुक पर भी है पेज बना हुआ है इस नेम से तो आप लोग फेसबुक के लिए भी इनेबल कर सकते हैं, टम्बलर ट्विटर सबके लिए इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं राइट पर क्लिक करूँगा एंड बस इतना काम करना है, ठीक है। ये देखो ये हमारी पोस्ट आ चुकी है। अब कैसे देखो ये पोस्ट बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, जब आप लोग यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो ये पोस्ट आपके बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। अब बस आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको पोस्ट बना बना के डालना है और दिन में कम से कम आपको 5 से 6 पोस्ट डालनी है। मॉर्निंग में आप लोग 1 से 2 पोस्ट डालोगे, दोपहर में 2 से 3 पोस्ट डालोगे एंड शाम को आप 3 से 4 पोस्ट डालोगे, क्योंकि जितनी पोस्ट आप लोग यहाँ पर डालोगे उतनी आपको यहाँ पर रीच मिलेगी। अभी हम बात कर लेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर अपने जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं उनको किस तरीके से इंक्रीज करना है, तो मैं आपको यहाँ पर मोबाइल में ही बता देता हूँ। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक कर लेने का यहाँ पर जो बड़े बड़े पेजेस हैं मोटिवेशनल वाले उनको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि देखो ये एक पेज है मोटिवेशन नाइल नाम से, यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया, इनके फॉलोअर्स पर हमें क्लिक करना है एंड फॉलोअर्स पर क्लिक कर लेने के बाद इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको हमें एक एक करके रिक्वेस्ट भेजनी है या फिर इनको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि लेकिन आपको यहाँ पर करना एक चीज़ है कि आप लोग हर एक घंटे में केवल 100 अकाउंट्स को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 100 अकाउंट से ज़्यादा एक बार में किसी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आपको स्पैमी में डाल देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि हर एक घंटे में आइए 100 लोगों को फॉलो कीजिए एंड थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, ठीक है। अगर आप लोग एक बार में ही सबको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को पेनल्टी दे देगा, ठीक है। और हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ये बैन भी कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते रहना है कि आप लोग 100 से ज़्यादा मत जाइएगा एक घंटे में, रेस्ट ले लेकर के आइए 1-1 घंटे का, देन अगेन आप लोग 100 लोगों को फॉलो कीजिए, रेस्ट लीजिए 1 घंटे का, अगेन 100 लोगों को फॉलो कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जितने लोगों को भी आप लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे वो उनमें से कम जैसे कि मान लो आप लोगों ने 100 लोगों को फॉलो किया उसमें से कम 20 या 30 लोग ऐसे होंगे जो आपको फॉलो बैक करेंगे, ठीक है। मेरी जो ट्रिक थी वो मैंने यही अप्लाई करी थी कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को फॉलो कर लिया था, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोगों को मैंने फॉलो कर लिया है एंड इनमें से कुछ लोगों ने मुझे जो है वो फॉलो बैक भी कराया, ठीक है। ये देखो 29 फॉलोअर्स मेरे इसी वजह से यहाँ पर पूरे हुए हैं, ठीक है। मैंने अपना पेज कहीं शेयर नहीं करा, कुछ नहीं किया,
देख सकते हैं अभी 29 फॉलोअर्स थे, यहाँ पर एक फॉलोअर्स आपके सामने इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे, बस आपको एक एक घंटे बाद आना है और लोगों को फॉलो करना है, आपको किसी को शेयर नहीं करना है, और आपको वही फॉलोअर्स मिलेंगे जिनको मोटिवेशन वगैरह में इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग अदर किसी बंदे के उसमें चले जाइए, बहुत सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे मोटिवेशनल हिंदी करके मिल जाएगा, इनके फॉलोअर्स पर क्लिक करो, इनके फॉलोअर्स को फॉलो करो। ठीक है, इस तरीके से फॉलो करो इन लोगों के लिए। ठीक है, एंड ये लोग आपको फॉलो बैक जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक थी। देखो यहाँ पर, देखो मेरे सामने अभी हैंड टू हैंड दो लोगों ने फॉलो किया, देखो ये एंटरप्रेन्योर बाबा करके इन्होंने मेरी पोस्ट को लाइक भी कर दिया। ठीक है, ये देखो 1 लाख मिल चुका है। तो अब अगर आप लोग यही ट्रिक को फॉलो करते रहेंगे तो आपको फॉलोअर्स भी अच्छे खासे मिलेंगे, एंड आपके निश से संबंधित फॉलोअर्स आप सभी को मिलेंगे। देखो फिर से यहाँ पर आ चुका है, एंड इन लोगों ने मेरी जो पोस्ट है उसको लाइक किया है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो गाइस देखो, ये पोस्ट मैंने आपको डालना बता दिया, सब कुछ बता दिया, एंड अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से आगे अर्निंग कैसे करनी है। तो ये सब कुछ मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करो। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मैंने आप सभी को बता दिया था कि किस तरीके से आप लोगों को पोस्ट डालनी है। और देखो अभी 29 फॉलोअर्स थे और 32 फॉलोअर्स हो चुके हैं, एंड यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक मैंने आप सभी को बताई है आपको उसी को फॉलो करना है। अपने मोटिवेशनल पेज में जाइए और उनके फॉलोअर्स को, जितनी फॉलोअर्स उनके, उनको फॉलो कीजिए, एंड वो लोग आपको फॉलो बैक करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग अर्निंग किस तरीके से करोगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है यार, देखो यहाँ पर जितने फॉलोअर्स आप सभी के ज़्यादा होंगे उतने ही आपको यहाँ पर डेली का डेली मेल्स आएंगे, मैसेज आएंगे, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल भी डाल करके रखना है। ठीक है, एंड वो आपको मैसेज करेंगे कि हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी को प्रमोट कर दो या हमारे पेज को प्रमोट कर दो, एंड आप लोग यहाँ पर 1 घंटे का, 24 घंटे का, 2 दिन का, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। एक एक इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रमोट करने पर लोग यहाँ पर आराम से हज़ारों रुपए लेते हैं, और ये जो 1 मिलियन वाला है भाई, ये आराम से डेली का 5 से 10 हज़ार रुपये इस अकाउंट से कमा रहा होगा, या हो सकता है कि डेली का ये इससे ज़्यादा भी अर्न कर रहा हो। ठीक है, तो बहुत ऑप्शन है यार अर्निंग करने के, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो ट्यूटोरियल है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, बाकी आप लोग इस काम को स्टार्ट कर दीजिए। एंड हमारा जो पेज है मोटिवेशन मुद्रा नाम से, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।